सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल का थर्ड वीडियो लेक्चर। जैसे कि हमने पिछले दो वीडियो लेक्चर में कवर किया था, पहले में था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि हमें पीरियोडिक टेबल के लिए मस्ट है। फिर उसके बाद हमने दूसरे वीडियो लेक्चर में कवर किया था डोबर्नियर सर को और न्यूलैंड सर का। तो अगर हम बात करें बाकी के जो दो साइंटिस्ट आए थे, लोथा मेयर और फिर उसके बाद मेंडेलीव, तो हमने पहले वीडियो में जो पढ़ा था कि पिछले वीडियो में डोबर्नियर सर और जो न्यूलैंड थे, उन्होंने अपना अपना लॉ दिया और अपनी अपनी थ्योरी को प्रपोज किया और उन्होंने बताया कि उनमें क्या फेलियर था और क्या उन्होंने सही किया। मतलब जो हमारे डोबर्नियर सर थे, उनका मेन लॉ क्या था, ट्राइड के फॉर्म में था। उन्होंने कहा कि उन्होंने तीन एलिमेंट का ग्रुप बनाया, फिर उनको जो है अरेंज किया, तो वो ज़्यादा नहीं चल पाया था। वो आफ्टर 9 एलिमेंट्स मतलब वो फेल हो गया था, तो वो 3 ट्रायड तक ही वो चल पाया था। उसके बाद हमारे साइंटिस्ट आए थे न्यूलैंड सर ने दिया था लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव का मतलब होता है 8। उन्होंने म्यूजिकल नोट्स को अरेंज किया, बताया कि जो हमारा 8th एलिमेंट होगा वो इक्वल होगा फर्स्ट के, मतलब 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के सिम होगी। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर हमारे सर आए लोथर मेयर। तो जो लोथर मेयर, ही इज अ ग्रेट साइंटिस्ट और द केमिस्ट, और इन्होंने ये बताया अपने अपनी चार बातों को इन्होंने रखा और बताया कि वो क्या बताना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव, पहले इन्होंने इनकी जो मतलब थ्योरी थी वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स की बेसिस पर थी। देखिए, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है, एक इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है, फिर मेटल वाइट और ट्रांसजन एलिमेंट होते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन से होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हमारे वो है पूरे पीरियोडिक टेबल में। देखिए, हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं ऑल ओवर। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसमें कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं, कुछ मेटलॉइड्स होते हैं। तो अगर हम ऑल ओवर देखकर बात करें तो हमारे जो लोथा मेयर सर थे, उन्होंने इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के बारे में डिस्क्राइब किया। उन्होंने बताया कि जो हमारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन से होते हैं, जो कि जैसे कि हमारे हाइड्रोजन हो गया। देखिए, इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव, ये देखिए इलेक्ट्रो पॉजिटिव और ये हमारे इलेक्ट्रो नेगेटिव, बहुत फर्क है इन दोनों में। इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो होते हैं वो आसानी से एक दे देते हैं, और जो इलेक्ट्रो नेगेटिव वो आसानी से एक ले लेते हैं। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव का बहुत ही तगड़ा बॉन्ड बनता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रो पॉजिटिव में हमारा एक सबसे मेन एलिमेंट आता है जो कि अल्कलाई मेटल से, मतलब हमारा होता है अल्कलाई मेटल। अल्कलाई मेटल कौन से होते हैं, हाइड्रोजन होता है, हेलिना कपूर अब से मतलब कि उसमें हेलिना आता है, मतलब लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, रुबिडियम आता है, सीजियम आता है, फ्रेंसियम आता है, और उसके बाद इनमें ये जो सारे एलिमेंट्स आते हैं ये हमारे क्या होते हैं, ग्रुप वन आप कह सकते हैं और आप अल्कलाई मेटल्स कह सकते हैं। ये एलिमेंट जो होते हैं सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं हमारे पूरे ऑल ओवर पीरियोडिक टेबल में। फिर उसके बाद ये आपको समझ में आ गया, हाइड्रोजन हमने एग्जाम्पल लिया। फिर उसके बाद देखिए, इलेक्ट्रो नेगेटिव वो होते हैं जो आसानी से एक गेन कर लेते हैं, मतलब लेते हैं किससे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो है अल्कलाई मेटल से। देखिए, वो हमारे होते हैं क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है। आप देखिए, इलेक्ट्रो नेगेटिव हमारे हैलोजेंस होते हैं, हैलोजेंस को ही हम लोग इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेनिंग होते हैं, मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। उनका बॉन्ड किन के साथ बनता है, अल्कलाई मेटल के साथ। तो जैसे कि आपको समझ में आया, हाइड्रोजन और क्लोरीन का बहुत ही ज्यादा तगड़ा बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन के पास किस चीज की टेंडेंसी होती है, एक देने की, और अगर उसी जगह हम क्लोरीन की बात करें तो उसकी टेंडेंसी होती है एक लेने की। तो ये दोनों बहुत ही ज्यादा तगड़ा बॉन्ड बनाते हैं। तो ये हुआ HCl फॉर्म होता है। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे मेटलॉइड्स क्या होते हैं, देखिए मेटलॉइड्स से हमारे आते हैं सिलिकॉन हो गया, बोरॉन हो गया, टाइटेनियम हो गया। फिर उसके बाद इन्होंने बताया है कि जो हमारे ट्रांसजन मेटल्स होते हैं और जो हमारे मेटलॉइड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इन्होंने अपनी थ्योरी में सिर्फ इन्हीं मेटल्स को दिया, सिलिकॉन, टाइटेनियम, बोरॉन एक्सेट्रा। और फिर देखिए, उसके बाद सबसे पहले इन्होंने अपना पॉइंट दिया है इलेक्ट्रो पॉजिटिव के बेस पर। इन्होंने कहा कि ज्यादातर जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन द सेंस ग्रुप वन के एलिमेंट जो है, अल्कलाई मेटल हम यहाँ पर बोल सकते हैं, जैसे कि
लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गई, ये सारे जो मेटल्स हैं अल्कलाइन मेटल्स हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये हमारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं। इन्होंने कहा जितने हमारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं, देखिए कौन कौन से अल्कलाइन मेटल्स हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव में कौन से मेटल्स आते हैं, ध्यान से, इलेक्ट्रोपॉजिटिव में कौन से मेटल्स आते हैं, अल्कलाइन मेटल्स आते हैं ग्रुप वन के, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। फिर उसके बाद इन्होंने कहा हमारे जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हमारे बेरिलियम हो गए, मैग्नीशियम, उसके बाद ये मतलब कि ग्रुप टू का, ये देखिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी हम उसे कह सकते हैं जिसके पास देने की टेंडेंसी कम हो ज्यादा वाले से। देखिए एक वो देता है कौन, हमारे अल्कलाइन मेटल, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुआ। फिर उसके बाद जो दो देते हैं, जो दो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, वो हुए थोड़ा लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपैरिजन में जो है अल्कलाइन मेटल। अब उसके बाद देखिए लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हमारे मेटल्स कौन कौन से, हमारा बेरिलियम हो गया, मतलब ग्रुप टू के अल्कलाइन अर्थ मेटल के। अब उसके बाद देखिए हमारे मेटलॉइड्स आते हैं, उन्होंने मेटलॉइड्स को बताया जैसे कि हो गया हमारा सिलिकॉन, टाइटेनियम, बोरॉन एंड ट्रांसजेंडर मेटल्स, ये दोनों ऑक्युपाई करते हैं बॉटम पार्ट ऑफ द कर्व। इन्होंने इनका मैंने ग्राफ था, मतलब वो कहाँ पर प्लेस ऑक्युपाई करते हैं, हमारे सिलिकॉन, टाइटेनियम, बोरॉन, ये तीनों है क्या, तीनों एलिमेंट है कौन से, ये हमारे मेटलॉइड्स और ट्रांसजेंडर मेटल्स हैं, जो कि कर्व जो होता है, जो कर्व होता है उसमें जो है एकदम मतलब कि बॉटम में जो है पार्ट को अपना प्लेस ऑक्युपाई करते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा जो हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव होते, अभी हमने आपको बताया इलेक्ट्रोनेगेटिव वो होते हैं जिनके पास एक लेने की टेंडेंसी हो, जैसे हमारे क्लोरीन हो गए, हैलोजन, ऑल द हैलोजन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। देखिए इसमें कौन कौन से इन्होंने बताया, हमारा फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सारे हमारे क्या होते हैं, हैलोजेंस होते हैं, मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव दैट इज हैलोजन, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे हैलोजन है। इन्होंने ये बताया जैसे कि हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब हो गए, ये ऑक्युपाई करते हैं, ऑक्युपाई द असेंडिंग पॉजिटिव ऑफ द कर्व, मतलब ये कर्व में असेंडिंग प्लेस ऑक्युपाई करते हैं, कर्व में जो है क्या ऑक्युपाई करते हैं, ऑक्युपाई द असेंडिंग पॉजिटिव ऑफ द कर्व, मतलब ये अपने प्लेस को ऑक्युपाई करते हैं, जैसे कि हमारे वो मेटलॉइड्स वगैरह जो हो गए वो बॉटम पार्ट करते हैं, वैसे ये कौन सा करते हैं, ये जो है असेंडिंग पॉजिटिव पार्ट जो ऑक्युपाई करते हैं। उसके बाद हमारे मेंडलीव सर आए, अलग अलग साइंटिस्ट आते गए एक के बाद एक, उन्होंने सबने अपना अपना कुछ ना कुछ लॉ दिया, अपनी अपनी बात रखी, अपनी अपनी थ्योरी था, लेकिन उन्होंने में से मतलब जितने भी और टोटल साइंटिस्ट थे उनमें से कुछ ना कुछ उनकी मिस्टेक्स भी थी, कुछ मेरिट्स और कुछ डिमेरिट्स भी थी। तो यहाँ पर हम अगर बात करें मेंडलीव की, तो देखिए मेंडलीव आपको पता होना चाहिए कि हमारे फोर साइंटिस्ट देखिए थे, तो उसके बाद मोजले भी थे, लेकिन अगर हम यहाँ पर फोर साइंटिस्ट को लेकर चलें, पहले हमारे डोबनियर सर थे, फिर उसके बाद देखिए हमारे जो पीरियोडिक टेबल में लॉ बना था, जितने भी साइंटिस्ट आए उन्होंने जो लॉ बनाया वो बेसिकली दो लॉ था, एक तो था, एक पहला लॉ था एटॉमिक मास के बेस पर, पहला लॉ जो था वो था एटॉमिक मास के बेस पर था पूरा का पूरा, और जो दूसरा लॉ था वो था एटॉमिक नंबर के बेस पर। देखिए एटॉमिक मास पर जो हमारा लॉ बेस्ड था, एटॉमिक मास का कहने का क्या मतलब, जैसे कि हमारे कुछ साइंटिस्ट थे कौन कौन, हमारे हो गए न्यूलैंड सर, फिर उसके बाद हमारे हो गए डोबनियर सर, फिर उसके बाद हमारे हो गए मेंडलीव सर, ये जितने भी साइंटिस्ट थे इन्होंने एलिमेंट्स को जो मतलब अरेंज किया, तो इन्होंने एक लॉ के बेस पर किया, जो कि लॉ था द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट एट द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ठीक है, ये तीनों साइंटिस्ट ने कहा था, किन किन साइंटिस्ट ने, न्यूलैंड ने भी इसी के बेस पर अपना का पूरा लॉ दिया, अपना पूरी थ्योरी दी थी। उसके बाद जो डोबनियर सर ने भी इसी के बेस पर कहा था, और जो हमारे मेंडलीव सर जिनको हम पढ़ने जा रहे उन्होंने भी एटॉमिक मास के ही बेस पर अपना पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन दिया। उसके बाद देखिए अब हमने एटॉमिक नंबर को भी लिया, तो जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी वो एटॉमिक नंबर के बेस पर है। देखिए हमारे मोजले सर ने दिया, उन्होंने कहा द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब देखिए
अब यहाँ पढ़ने वाले हैं मेंडलीव सर के बारे में। तो मेंडलीव सर जो है ये बहुत ही ज्यादा फेमस, इन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल भी बना दिया था और इन्होंने मतलब इनकी काफी मेरिट्स, इन्होंने मतलब जितना भी किया सब प्रॉपर किया। इन्होंने बताया कि नोबल गैस जो है फ्यूचर में डिस्कवर होंगे उनके लिए एकदम करेक्ट प्लेस भी छोड़ी थी इनकी, मतलब जैसे पीरियोडिक टेबल हम लोग आज पढ़ वैसे ही थी, बस उसमें जो जो गैप था इन्होंने प्रॉपर वे में छोड़ा हुआ था, बाकी इन्होंने कोई चीज आगे पीछे नहीं की थी और जितना इन्होंने किया था सब प्रॉपर किया था। फिर उसके बाद देखिए जो हमारे मेंडलीव सर थे ये रशियन साइंटिस्ट थे, मतलब ये रशिया से थे, ये रशिया के साइंटिस्ट, मतलब रशियन साइंटिस्ट थे। उसके बाद ये केमिस्ट भी हैं। ये आए कब थे, अपने फील्ड में कब उतरे थे, ये उतरे थे 1837 में, 1837 में इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया उस टाइम पर। इसके बेस पर एक बहुत ही ज्यादा फेमस पीरियोडिक लॉ चल रहा था जिसे हम कहते हैं द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास। उस लॉ जो कि बहुत ही फेमस था उनके टाइम पर, उसके बेसिस पर इन्होंने अपना पूरा का पूरा थ्योरी दे दिया। इन्होंने प्रपोज किया, देखिए प्रपोज करने का यहाँ पर मतलब ये है कि इन्होंने जब किया तो इन्होंने किसी चीज को मतलब अपनाया और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी पूरी की पूरी थ्योरी को बना डाली। इन्होंने बताया, इन्होंने प्रपोज किया कि जो एटॉमिक मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट, देखिए अगर हम हाइड्रोजन को लेते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर जो होगा वो बहुत ही ज्यादा हमारा जो है बहुत ही ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है इसमें, मतलब अगर हम लोग किसी भी एलिमेंट को लें तो उसका जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है उस एलिमेंट का। क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या होता है, उसका एटॉमिक मास होता है। इन्होंने इस चीज को प्रपोज किया, इस चीज को अपनाया और बताया यहाँ पर। फिर इन्होंने जिस लॉ के बेस पर अपनी थ्योरी दी वो लॉ कौन सा था, ऑल द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास, क्योंकि इन्होंने इसी लॉ और इसी थ्योरी को प्रपोज किया था। उसके बाद इन्होंने इनके टाइम पर, एट दैट टाइम जब ये आए थे अपने फील्ड पर उतरे थे, कब उतरे थे 1837 में, जो कि रशियन साइंटिस्ट और केमिस्ट थे, तो इनके टाइम पर कितने एलिमेंट्स डिस्कवर थे, 63 एलिमेंट्स वर डिस्कवर इनके टाइम पर, 63 एलिमेंट्स ऑल टोटल डिस्कवर थे। उसके बाद देखिए जो कि देखिए आप लोग क्या कहते होंगे कि हमने यहाँ पर एट ग्रुप बताया वो गलत है, नहीं, हम आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पढ़ रहे हैं कि 7 हमारे पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं, लेकिन इनके जो पीरियोडिक इनका जो टेबल था मेंडली पीरियोडिक टेबल, इनका जो टेबल था उसमें 7 पीरियड थे और 8 ग्रुप थे, 18 नहीं 8 ग्रुप्स थे। और देखिए इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी, पहली थी इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई, उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल को बनाया और उसको प्रॉपर अरेंज किया और इन्होंने नोबल गैस के लिए प्रॉपर प्लेस छोड़ दी कि हाँ ये फ्यूचर में डिस्कवर होंगे और ये इसी प्लेस पर लिखे जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। फिर उसके बाद इनकी जो पीरियोडिक टेबल की हम यहाँ बात कर रहे थे, इनके पीरियोडिक टेबल मतलब कि इनके टाइम पर 63 एलिमेंट जो भी डिस्कवर रहे हो वो आज भी है, लेकिन उन्होंने जहां जहां जिस 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया था उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, उसके नंबर के अकॉर्डिंग, उसके वेट के अकॉर्डिंग जो भी अरेंज किया था वो प्रॉपर इन्होंने उन एलिमेंट्स को लिखा था और बताया कि वो वहीं के वहीं रहेंगे, उसके अलावा जो उन्होंने नहीं लिखे थे बाकी के सारे उनके लिए इन्होंने प्लेस भी छोड़े थे। उसके बाद देखिए इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी वो कंसिस्ट थी 7 पीरियड्स से, 7 पीरियड्स थे, फिर उसके बाद 8 ग्रुप्स थे, 8 वर्टिकल कॉलम को हम लोग ग्रुप कहते हैं और हॉरिजॉन्टल रोज को हम लोग पीरियड्स कहते हैं। इनके पीरियोडिक टेबल में पूछा जाता है कितने पीरियड और कितने ग्रुप्स है, तो आप लिख देंगे 7 पीरियड्स थे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में और केवल 8 ग्रुप्स थे, कितने ग्रुप्स थे 8 ग्रुप्स थे। उसके बाद देखिए व्हाइल अरेंजिंग एलिमेंट्स इट वाज स्पेशली कंसीडर्ड दैट एलिमेंट हैविंग अ सिमिलर प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। इन्होंने एक सिंपल सी बात कही कि देखो हमने जो जो प्लेस छोड़ा हुआ है, जो जो स्पेस हमने बचाया है, उस स्पेस पर वही एलिमेंट्स किए जाएंगे जो कि डिस्कवर होंगे, और जो मैंने अपना सेटअप किया मतलब मैंने जो अपने एलिमेंट्स को लिखा है वो उसी प्लेस में रहेंगे, क्योंकि
उनकी प्रॉपर्टी उसके बेसिस पर थी। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए, इन्होंने एक सिंपल सी बात कही कि जो हमारे नोबल गैस होते हैं, मतलब नोबल गैस वर नॉट डिस्कवर्ड, नोबल गैस एंड सॉरी, इन्होंने कहा कि जो नोबल गैस इन्होंने, हाँ इन्होंने नोबल गैस को डिस्कवर नहीं किया था, लेकिन नहीं डिस्कवर किया था तो इन्होंने जो है किसके, न्यूलैंड सर की तरह इन्होंने ये नहीं कहा कि वो आगे डिस्कवर नहीं होंगे। इन्होंने कहा कि हम नोबल गैस को जो है क्या करेंगे, नोबल गैस के लिए हम प्लेस हमने छोड़ दिए, वो फ्यूचर में जब डिस्कवर होंगे तो वो वहीं पर प्लेस किए जाएंगे। तो ये था किसका, लॉथर में और मेंडलीव सर का। सो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।